प्रदेश में फैल रहे कोरोना वायरस को हराने को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम द्वारा नगर क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सैनिटाइज कार्यक्रम किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में सैनिटाइज से लोगों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि अगर नगर क्षेत्र साफ सुथरा रहेगा तो कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। इसी के साथ ही समय समय पर बैंक भी पीछे नहीं है। इसी को लेकर आज इलाहाबाद बैंक में भी अपने कार्यालय में लोगों को असुविधा न हो और साफ सफाई पूरी तरीके से रहे, इसको लेकर बैंक में सैनिटाइज कराया। बैंक मैनेजर का कहना है कि बैंक कर्मियों के साथ साथ बैंक में आने वाले जो कस्टमर हैं वे भी इस संक्रमण की चपेट में न आए, इसी को लेकर समय समय पर बैंक में सैनिटाइज किया जा रहा है। अगर लोग अपने घरों के आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखें तो हम इस महामारी जैसी जंग को जीत सकते हैं। ये कोरोना वायरस के लिए कर रहे हैं, काशीपुर के अंदर पूरे शहर के अंदर कर रहे हैं, जिससे कि ये बीमारी और को किसी को ना लगे, यहाँ ना हो। तो इसका छिड़काव कितने बजे से कितने बजे तक करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? हम सुबह के 8 बजे से और शाम के 4 बजे तक करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? यहाँ ये हर जगह कर रहे हैं, काशीपुर तो पूरे शहर में। ये हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा करवा रही है, छिड़काव करा रही है, इससे जल्द से जल्द कोरोना वायरस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इससे बहुत सारे घर वाले परिवार वालों को, बाहर निकलने वाले जो बैंक में वो हैं कर्मचारी, उनको भी बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। राजकुमार शर्मा, आप बैंक में किस पद पर? मैं मुख्य प्रबंधक के पद पर। जी सर, बताएं कि यहाँ पर जो आप समय समय पर सैनिटाइज कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरीके का जो है इससे जो है कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है? देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने का दो ही तीन तरीके हैं। एक तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइजेशन करना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें नगर निगम की तरफ से भी सहयोग मिलता है, बीच बीच में सैनिटाइजेशन वो लोग भी करते रहते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि अपनी शाखा में को सैनिटाइज करते रहें, तो इससे निश्चित रूप से हमारे को भी बचत सुरक्षा होगी और हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी सुरक्षा होगी।